अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट करने से पहले कुछ भी नहीं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं ना बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं क्या हो गया। खैर आप लोग सॉरी आप लोग करें कहते हैं हमारे ब्लॉग को स्टार्ट। बस सुबह अपने लिए बना रही हूँ एबीसी जूस, ऐसा कि मैं अपनी केयर करना मैंने स्टार्ट किया आजकल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मुझे फील होती है। मैंने एप्पल और कैरेट और कुकुम्बर और अदरक और क्या ऐड किया था, बीट रूट, और उसके अंदर लेमन भी ऐड करते हैं। मैं इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि मुझे एलर्जी ना हो जाए, तो बस इसको नहीं समझ के हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको छान के पीना है। स्पंज का बहुत मेहनत से जूस निकाले क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जिसमें तो गाजर का जूस निकालो तो आराम से निकला, तो वो रफ होता है वो निकल जाता नहीं, इसको मुझे निकालना पड़ता है कपड़े में। तो ये बन गया अभी। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत भी देता है, तो इसलिए। और हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग हुई है मई बटर के साथ। शाहरुख के लिए यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। ये मक्खन में पड़ा है 1000 का और ये पड़ा है 150 का। ये पूरा महीना चलेगा, पूरा महीना। जैसे हम 150 का दो दिन के बाद देते हैं तभी पूरा महीना चल जाएगा आराम से। ये कुछ पैसे हैं मेरे कमा के लाए, काम करते हैं। एक हो गया 500, जो कुछ आ रहा था मुझे कहा 2000 है, 700, 800, 900, 1000, 200, 300, 400, 600 का है। 200 की क्या ना? हाँ। और कितना रहेगा? और कितना रहेगा? 400। 80 रुपए की निपल। 300। 50 रुपए के तुम्हारे क्या है? ये 50 के नींबू, 50 के प्याज, कितने हो गए? 200 का है। 200 का है। ये बताओ आज के बाद अगर 2000 कोई नहीं बनाओ घर पे आए तो घर पे आना एंट्री बंद, और ये लो तुम्हारा खर्चा है सेकंड। हाँ मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा और अली का 1, 2, 3, 4 और ये 2 रुपए। खुशी मनाओ कितनी मतलब से रख लो चीज खाना और 4 दिन इसी में गुजारना। टाइम में हम लोग उठे हैं, नमाज पढ़ी है, ये सैलेड और है हमारे पास दाल और रोटी वाइट से मंगवाई है, बस वही खाएंगे हम लोग। थी क्लास देने के लिए क्लास हमारी होगी और अभी 6 क्लास होगी, बस एक एक क्लास तक तो हम सैटरडे को देंगे, हमारी क्लास खत्म हो जाएंगे। देर से अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा अचानक तबीयत ख़राब हो गई। घर आई हूँ तो घर में मुझे बुखार हो रहा है। एक क्लाइंट है उसके लैशेज करने और लैशेज करने से उसके सिर्फ नेल्स करने, तो बस अभी जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बाहर नहीं कर सकता, उसकी माए हुए। तो मुझे 3 सेट है, मुझे 1 सेट में काफ़ी टाइम मिल जाता है, मुझे बहुत परफेक्शन से करती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ लैशेज नहीं सिर्फ नेल्स करने के लिए, शादी का कहते कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख के आप सबने माशाल्लाह ज़रूर बोला। शादी के पीछे किस चली गई? डेंटिस्ट से पकड़ा दो, अंदर भी आई गई। आ जा। हो गए नेल्स। शादी का घर है इसलिए अब देख के माशाल्लाह। आने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की। शाहरुख हो रही उस रूम में, मसरूम मसा रही हूँ, सब कुछ इतना फैला हुआ पता नहीं सब कैसे होगा। मुझे इतना ज़्यादा फीवर हो रहा है, मुझे ना जब जड़ तब और उस टाइम में मुझे बताया था ना, सब बताया नहीं होता मुझे पता, उस टाइम मुझे और तबियत खराब अभी ज़्यादा हो गई, सर में दर्द, बुखार, अल्लाह करे मुझे बुखार ना आए क्योंकि मुझे सब कुछ देखना होता है, पता नहीं मैं बुखार अफोर्ड नहीं कर सकती। अब लोग कंटिन्यू करूँगी और अभी मैं चाह रही हूँ तो डॉक्टर के पास अली को जो है अपनी सासू मम के पास छोड़ के जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सासू मम जो है ना उन्होंने कहा कि उसको मैं संभालना करूँगी, रात को भी हम लोग 5 बजे रहे हैं, तो वो अली उनके साथ आराम से सोया हुआ था घर में, और उनका घर इतना ठंडा है, इतना अच्छा है,
उसके बाद वो सही रहता है। तो बस शुक्र है जब तक आपके पास कोई सहारा ना हो नहीं चलता कुछ भी। के पास जा रही थी मैं, लेकिन मेरी नमाज का टाइम जो था ना थोड़ा सा ही रह गया था, और बस मैं इसलिए वापस आई हूँ। मैं घर जा रही हूँ, यहाँ पर नमाज पढ़ूंगी, फिर जो है मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, और जो भी काम थे नमाज आ रहा है। बस आए हैं कैंटे स्टेशन, यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा काम है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने टिकट करवाई थी, वो टिकट कैंसिल करा के उसमें कुछ चीज़ें ऐड करवानी है, और मतलब आगे पीछे का थोड़ा काम था वो करवाना था, बस करवा रहा हूँ जल्दी से। अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और मतलब जो टिकट थी सॉरी मैं ये करवा ली, मैं बुखार की वजह से बता नहीं पा रही। टिकट हमने वो सही करवाने, थोड़ा सा बाहर किसी को पैसे भेजने थे, बस बस ट्रांसफ़र करने के लिए आया है। अलग से देंगे, सही है, फीस अलग से देंगे, उसमें से ना काटें। मेरी भी फीस के बाद जो है हम लोग आए थे यहाँ पे, फरिया भी थी मेरे साथ, और मुझे ये इतना अट्रैक्ट कर, मुझे बहुत मज़े की लगती है फरिया को भी पसंद है। इसलिए मुझे लगा पताशे बोले, मुझे लगा ये है पताशे, फिर बाद में मुझे बोले पताशे नहीं, इसे बुढ़ी के बाल कहते हैं, दादी अम्मा के बाल। और ये इतना मज़े की लग रहा है इसे, चट्टान का जो मतलब समझाया ना मुझे, अल्लाह माफ करे। मेडिसिन लेकर आई, अली की भी है, मेरी भी, अली की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसकी भी मेडिसिन लेकर आई हूँ, और अपनी भी। अभी सबसे पहले इसको नेबुलाइज कर लूँगी, उसके बाद जो है इसको मेडिसिन दूँगी। क्या है आखिर, ये क्या है, ये क्या है, हंस रहा है, हंस रहा है, मजा आ रहा है, कह रहा है पानी आ रहा है। बेबी दोनों सो गए हैं, तो एक्चुअली जो है आज मैं काम पे भी नहीं गया, और क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई बेबी की तबीयत ख़राब है और नैना की भी तबीयत ख़राब है, तो नैना तो नहीं देख सकती बेबी को, तो जाहिर सी बात है मुझे देखना पड़ेगा। आज घर की सफाई कपड़े सब मैंने किया है घर का, और जो है अभी तुम सो जाओ, सुनो, तो अभी जो है फ़िलहाल इन दोनों को मैंने सुला दिया है, तो मैं अभी भी थोड़ी देर बाद मैं भी सो जाता हूँ। अभी देखते हैं सुबह मुझे काम पे जाना है, क्योंकि अगर मैं काम पे जाऊँगा सुबह तो बेबी को कौन देखेगा, क्योंकि नैना की भी तबीयत सही नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं सो गई थी, और अभी इस रूम में इतना गर्मी हुई थी, अब हम उस रूम में चले गए। जब लैशेज उड़ने से काम करती मुझसे व्लॉग नहीं बनता, जब अदरवाइज मुझसे बन जाता है। वैसे भी इतना कमर में दर्द होता है, और मैं रात के मतलब कल जो मैं ब्राइडल के घर गई थी, वो दो सिस्टर्स थी, और उसके एक ब्राइडल के फीट्स के भी थे और हैंड्स के भी थे, और जो उसकी सिस्टर थी उसके हैंड्स के थे। तो वो ना मैंने तकरीबन मुझे ना 5 घंटे लग गए करते करते, 5 घंटे मुसलसल आप जब ऐसे झुक के बैठते, क्योंकि मेरा तो कोई स्टूडियो नहीं है कि मैं आराम से बैठ करूँ, तो वो नीचे बिल्कुल झुक के बैठ बैठ के ना मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, ये तक यहाँ से लेकर ये नीचे तक, कि इतना मुझे पेन हुआ, और उसकी वजह से मुझे बुखार आ गया, इतना मतलब दर्द था। पहले मुझे एलर्जी हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे बुखार आ गया वो दर्द की, और उसका दर्द आज दूसरा तीसरा दिन है कि मेरा स्टिल मुझे पेन है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। एक दिन जब मेरा अपना सैलून होगा तो मैं आराम से बैठने को कहूँगी काम, और मैं बताऊँगी सबको कि मैंने ये टाइम भी देखा था। हर मुश्किल के बाद बेशक आसानी है। कल एक नए ब्लॉग के साथ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और अगर आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। अल्लाह हाफिज़।